नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक पैदल चलकर आम जन को कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन सजग एवं जागरूक है। कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक, पुलिस अधीक्षक अमित सांघी के साथ सिविल लाइन चौराहा गोरमूर्ति कटरा बाजार मस्जिद राधा चौराहा तक पैदल भ्रमण के दौरान सभी से अपील की है। लॉकडाउन के दौरान सभी आम जन घर पर ही रहें, बाहर न निकले उन्होंने अपील की है। यह समय अत्यंत जागरूकता का परिचय दें एवं कोरोना वायरस को रोकने में मदद करें। पैदल परमार के दौरान नगर दंडाधिकारी पवन बरिया एवं पुलिस बल उपस्थित थे। सागर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने कोरोना वायरस के संबंध में संदेश दिया। सागर से संवाददाता सत्यम दुबे की रिपोर्ट। जैसा कि सभी को विदित है, 31/3/2020 तक जिले में धारा 144 लागू है और 23, 24 और 25 इन तीन दिनों में जिले को लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन और को हम ये मान सकते हैं कि जो 144 में निहित प्रावधान है, जो कि डीएम सागर के आदेश में उल्लेखित है, उनका सख्ती से पालन हो और मेरा जिले के और शहर के पूरे सागर के सभी नागरिकों से यह अनुरोध है कि 144 का जो आदेश निकला है उसमें निहित प्रावधानों का शत प्रतिशत पालन करें। यह पालन ही आपको इस कोरोना वायरस से बचाएगा। आप उलझे नहीं, आप अनावश्यक सड़कों पर निकले नहीं, आप अनावश्यक समूह बना के खड़े ना हो। हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो मान के चलिए कि इसकी जो बात चल रही है इसकी चेन टूट जाएगी और कोरोना वायरस से हम अपने खुद को, अपने परिवार को, अपने शहर को, अपने प्रदेश को बचा पाएंगे।